यमुनोत्री मोटर मार्ग पर सिलेसुपल के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर 400 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें से 5 की मौत मौके पर हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग देहरादून के लाखा मंडल की ओर जा रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया व 108 एम्बुलेंस की मदद से हायर सेंटर नैनबाग पहुंचाया गया, जिनको नैनबाग से हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून पहुंचाया गया। वही मृत 5 लोगों को ITBP के जवानों की मदद से रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया। तो वही मरने वालों के परिजनों ने कहा कि शासन प्रशासन से हमें कोई राहत नहीं है, वोट मांगने तो ये नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं देते। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हमने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन समय पर कोई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की है, लेकिन अभी तक 11 बज चुके हैं, बल्कि घटना सुबह 4 बजे की है और अभी तक ना कोई व्यवस्था हुई है, ना प्रशासन का हेलीकॉप्टर भी यहाँ नहीं पहुंचा। यहाँ सिर्फ जब हम लोग पहुंचे तो 2 पुलिस वाले और SDRF की टीम थी। हमारे आने से पहले कोई भी मौजूद नहीं था। वही स्थानीय व्यक्ति ने यह बताया कि अभी भी एक पुरुष और एक महिला घायल है। मेरी फैमिली के हैं, जितने भी हैं वो मेरी फैमिली से मर रखे हैं। हमें पता है दर्द कैसा है। 5:30 बजे की गाड़ी गिरी हुई है और हम 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हुए हैं घर से। हमें पता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई